and welcome back to my channel Teacher Tycoon. In today's video, we are going to see a story. Story is from Class 6 English Balabharati, Chapter 1.6 The Peacock and the Crane. I will be teaching this story in both the language. If you are a student of Class 6, please open your textbooks, page number 18, Chapter number 1.6 The Crane and the Peacock. अगर आप कोई और हो, क्लास सिक्स के स्टूडेंट नहीं हो, आप फिर भी ये वीडियो देख सकते हो. एज इन ये वीडियो में बहुत अच्छी कहानी है और उसके साथ उसका एक छुपा हुआ मॉरल है जो हम डिस्कवर करने वाले हैं. सो आप बने रहिए. सो लेट्स रीड एंड अंडरस्टैंड द लेसन. देयर वॉज वंस अ वेरी कंसीटेड पीकॉक हु हैड अ गॉर्जियस टेल लाइक नो वन अदर. So, when he met a crane one day, the peacock scoffed at the crane's colorless and dull feathers and immediately spread his own colorful tail for crane to see and admire. So, how does the story start? So, start hoti hai ki ek conceited yani kya? Very proud. Conceited ka meaning kya hai? Very, very proud. There was a very proud peacock. We all know that peacock is such a beautiful bird. Hai na? Peacock ek bahut hi sundar pakshi hai. Aur uske jo khubsurti hai, uske pure tail mein hoti hai. It is a very, who had a very gorgeous. Gorgeous means very beautiful. Aur jaise peacock ki tail hai, waise kisi bhi aur बर्ड की टेल नहीं है. ये हम जानते हैं, ये पीकॉक भी जानता था. सो वो बहुत ही प्राउड करता था अपने टेल पे. ओके, सो एक बार क्या होता है कि पीकॉक ऐसे ही एक बार क्रेन को देखता है और वो क्या करता है, स्कॉफ्ड. द पीकॉक स्कॉफ्ड एट द क्रेन्स कलरलेस एंड डल फेदर. स्कॉफ्ड का मीनिंग क्या है, टीज करना. स्कॉफ्ड का मीनिंग क्या है चिल्ड्रन, इट इज़ टीजिंग. सो वो उसको टीज करता है. कैसे टीज करता है, अपने जो ब्यूटिफुल के ब्यूटिफुल फेदर्स है उनको ऐसे पूरे ओपन करता है और वो चाहता है कि क्रेन उन ब्यूटिफुल फेदर्स को देखे, उन्हें एडमायर करे. एडमायर का मतलब है उनका, उन्हें प्रेज करे. ओके, सो वो ऐसे कर, चलो देखते हैं पीकॉक ने अपने फेदर्स कैसे स्प्रेड किए. You can see it is so beautiful, isn't it? So beautiful. Yes, it's so beautiful. So ऐसे करके वो क्रेन से कुछ बोलता है, वो हम अभी सुनने वाले हैं. What does he say? After spreading his beautiful feathers, he speaks something to crane. He says something to the crane. We are going to see that. He says, "Look at my feathers," he boasted. How they shine in all colors of rainbow. Yours are so pale. I am dressed like a king. So, वो peacock बोलता है, boasted का मतलब क्या है? Show off करना. Okay, when someone show off, तो उसको boasted कहते हैं. So, he says, वो crane को बोलता है, देखिए मेरे पंख कितने beautiful है, मेरे जो feathers है, वो they are so beautiful. Rainbows के सारे color, rainbow में जितने colors है, उतने सारे मेरे पंख में हैं. और तुम्हारा, you have just white, very grey color के dull, dusty, pale यानी very faint, pale color है. मैं तो एकदम राजा के जैसा dressed up हूँ और तुम एकदम poor लग रहे हो. So he says like that. On listening this, क्रेन क्या उसको आंसर करता है, लेट्स सी. दैट्स ट्रू, द क्रेन आंसर्ड. क्रेन बोलता है, हाँ ये बात तो सच है कि दैट यू आर रियली वेरी ब्यूटिफुल. योर फेदर्स आर रियली रियली वेरी ब्यूटिफुल. आपके जो फेदर्स है वो बहुत ही प्रिटी है. बट आई कैन फ्लाई अबव among the clouds and the stars and I can see all the beauty of the earth in all its glory while you live down here just like another cock. So वो उसको क्या बोलता है कि हाँ ये बात तो सच है कि आपके फेदर्स जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, लेकिन मेरे जो विंग्स हैं, मेरे जो फेदर्स हैं, भले वो पेल है लेकिन वो वर्क करते हैं, वो मुझे बहुत ऊंचाई तक फ्लाई कराते हैं
ओके मैं पूरे आसमान तक जा सकता हूँ, क्लाउड्स में जा सकता हूँ, और मैं ऊपर से जो दुनिया की खूबसूरती है, ग्लोरी, द ब्यूटी ऑफ द अर्थ्स ग्लोरी मीन्स अर्थ्स ब्यूटी जो है वो मैं ऊपर से देख सकता हूँ। और तुम क्या हो? तुम तो बस एक बर्ड हो जिसको फ्लाई तक करने नहीं आता। सो इतने अच्छे पंख होने का फ़ायदा क्या है? समझ में आ रहा है बच्चों? तो ऐसे उसको आंसर करता है। सो ये एक छोटी सी स्टोरी होती है कि एक क्रेन और पीकॉक का कन्वर्सेशन। तो बच्चों व्हाट डू वी एक्चुअली लर्न फ्रॉम दिस लेसन? कि हम एवरीबॉडी लाइक हम इस लेसन से क्या सीखते हैं कि व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस लेसन दैट गॉड हैज मेड अस ऑल वेरी स्पेशल। ही हैज गिफ्टेड अस ईच वन विद अ यूनिक स्किल एबिलिटी और क्वालिटी। हर एक जो हम बंदे हैं भगवान के, अल्लाह के या गॉड के, जिसने हमें बनाए, उसने हम सबको बहुत यूनिक और स्पेशल बनाया है। एवरीबॉडी हैज़ दैट वन स्पेशल क्वालिटी। लेकिन हमारे पास वो क्वालिटी है, इसके लिए हम दूसरों को नीचा दिखाएं और हम अपने आप को बहुत सुपीरियर समझे, बच्चों ये बिल्कुल ही गलत बात है। सो यू शुड नेवर कंपेयर एंड मेक फन ऑफ अदर्स। अगर आप में कुछ अच्छाई है तो दूसरे में भी वो अच्छाई होगी, भले वो नहीं होगी तो कोई और होगी। सो ये बात आपको हमेशा जाननी है। समझ में आ रहा है ये स्टोरी का क्या मतलब है? कि फाइन फेदर्स डोंट मेक फाइन बर्ड्स। इसका मतलब अगर आपके फाइन फेदर्स, बहुत ब्यूटीफुल फेदर्स है, बट बर्ड्स का काम क्या होता है? उड़ना। बट वो आप भले आपके पास इतने ब्यूटीफुल फेदर्स है लेकिन आप उड़ नहीं सकते। सो इसलिए आपको कभी किसी बात पे घमंड नहीं करना चाहिए। यू शुड नेवर बी प्राउड, यू शुड ऑलवेज बी हेल्पफुल टू अदर्स। हमेशा ध्यान में रखिए कि आपके पास जो कुछ अच्छा है, जो कुछ आप अच्छा सीखते हो, अच्छा जानते हो, उससे आप दूसरों की हेल्प करो। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपको ये लेसन अगर अच्छे से समझ में आया है, आपको ये लेसन बहुत अच्छा लगा है, तो आप ये दूसरों के साथ शेयर करो, बिकॉज वही तो मेन है ना। That is the reason why I have started this channel so that हमारा education सब इधर spread हो सके। ठीक है? So आज के लिए इतना ही। So thank you।